मैं अभी रुका हूँ बीच रास्ते में, इस लोकेशन का नाम नहीं पता मेरे को, बस ऐसे ही रुक गया हूँ और यहाँ पे पानी पीने के लिए। और एक छोटा सा एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसमें ही पानी पीने के लिए रुका हूँ और पानी वानी पी के फिर निकलेंगे आगे की ओर। सो 5 मिनट का वेट भी कर लेंगे, बैटरी वैटरी चेंज करना है तो बैटरी चेंज करके, कैमरा का बैटरी हो गया डाउन, बैटरी चेंज करके फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़े से आगे पर शहर है, उसमें रुकूंगा मैं उस शहर पे, तो उसका अपडेट देता हूँ आप लोगों को। तब तक मैं पानी पी के आगे बैटरी चेंज करता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं जो टारगेट रखा था वो भी फेल हो गया। मैं सोचा था कि चमचे तक पहुँच जाऊँगा मैं 5 बजे तक, अभी मैं ताल तक भी नहीं पहुँच पाया हूँ और चमचे यहाँ से अभी 2 से 3 घंटे का रास्ता अभी बचा हुआ है भाई। तो अभी 5:16 हो गया है और चमचे यहाँ से बहुत दूर है अभी फ़िलहाल। तो मैं ये करूँगा कि अब जहाँ भी छोटा सा मार्केट मिलता है अब उधर ही रुकना पड़ेगा मुझे। ये रास्ता देखो ऐसे है, ये पूरा लेन है एकदम, कैसे कैसे जाना है वहां तक जाना है, ऐसे ही चल रहा है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गया यार, क्या मतलब मसला लगा रखा है बारिश बारिश वाला। अब तो बंद हो जा, अब तो इधर निकल गए, मनंग छोड़ दिए भाई। बारिश स्टार्ट हो गया क्योंकि भाई ओए, एक लगता है कि गांव मिला है कुछ। ये कौन सा विलेज है देखते हैं जा करके। ये कैसे उतरू, चलो यहीं से उतर जाते हैं। सो भाई मिल गया है रूम, निकल ही रहे थे तो भाई साहब ने बहुत कॉल रुकवा के बोला भाई यहाँ रूम हो रहा है, बारिश है, सो रूम ले लो। पहले रूम देखूँगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जैसे तैसे रुक जाऊँ। वेयर इज रूम? I need this one. This one? Yes. This nice place over there. It's open. Okay. Thank you. Yeah. I have blanket. You have a how much cost? How many?
चामचे के पास पहुंचा, जैसे ही चामचे शहर में भी एंट्री भी नहीं किया था, जैसे ही फर्स्ट रूम मिला, मैं आप लोगों को बताया भी था कि जो पहले मिलेगा मैं उसमें ही रह लूँगा। तो जैसे ही बढ़ ही रहा था तो ये रूम वाले भाई साहब ने बोला, हेलो 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 हेलो, बारिश हो रहा है, आप किधर जा रहे हो, जो गीला हो जाओगे ये वो। तो मैं रुका, मेरे को रुकना था भाई, तो मैं रुका और मैं आज एक रूम लिया हूँ। और अब देखो 200 रुपया चार्ज किए हैं, लेकिन अब पता नहीं अच्छे लोकेशन पे है भाई। और जाते ही जैसे ही मैं एंट्री किया, मैं चाय ऑर्डर कर दिया था, मेरा चाय ये देख सकते हो, चाय आ गया है। तो और आप लोकेशन देखो, मेरा लगेज देखो, सारा लगेज इधर पड़ा हुआ है। तो आज आप लोकेशन ही है, मेरा बाइक मेरा पार्क इधर ही है। और आप लोकेशन देखो भाई, ये नदी, क्या खूबसूरत जगह पे मैं रुका हूँ। ये सो अच्छा लोकेशन है। सो इट्स दिस इज माय होटल। ये रोड जो है आप देख सकते हैं, ये इधर की ओर मेरे को जाना है, आगे बेशी शहर मिलेगा। तो सो गाइस, आज मैं इधर ही स्टे करूँगा और कल यहाँ से सुबह 8 बजे तक निकलूँगा बेशी शहर के लिए, और वहाँ से रवाना हो जाऊँगा सिर्फ आउट ऑफ नेपाल। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चामचे। और मैं अभी हूँ चामचे में, और अभी जगा हूँ मैं, और जगने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करूँगा आगे बढ़ने का। तब तक मैं आप लोग को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रुका था उस जगह पे मेरा बाइक का जो मीटर का जो पैनल टूट गया था। तो एक लकी चांस है मेरे लिए कि इस चांस को फ़ायदा उठाना ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं जिस जगह पर रुका उसी जगह पे बाइक का मैकेनिक मिले मेरे को, और वो अंकल भी इंडिया से ही है, और वो मेरा जो बाइक का पैनल मीटर का पैनल जो टूटा था उसको रिपेयर करने के लिए रेडी हो गए हैं, और वो रिपेयर करने में लग गए हैं। तब तक मैं आप लोग को तो अंकल काम कर रहे हैं, और मैं अभी चामचे में हूँ, और आप देख सकते हैं चामचे का नज़ारा। तो ये चामचे का गांव है, और इस विलेज में मैं रुका था, यही रोड है जो मैं बेशी शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा इसी रोड से ऐसे। और आप देख सकते हैं सुबह हो चुका है, धूप भी है, और मेरा लगेज का सिस्टम देख लो आप लोग, क्या सीन है। एक टोटल लगेज बाइक पे लोड करके ले जाना है भाई, तो कड़ा काम है। और ये देखो मेरे पीछे ये नदी है, मर सांगरी नदी, जो मैं इसके साथ ही चला था, और दोनों साथ में ही अभी अपन है। और देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं भी रुका हूँ। सो गाइज, चलते हैं नीचे, आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा बाइक में रिपेयरिंग का काम कैसे चल रहा है, और उसके बाद आगे का अपडेट दूंगा। मैं चाय वाय पीऊँगा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आगे रवाना हो जाऊँगा। तो अभी रुका हूँ चामचे में, सो चलते हैं नीचे और आपको दिखाता हूँ मैं। सो चल रहे हैं नीचे की ओर, आपको दिखाता हूँ। ये गली है, सामने मेरा रूम है आगे से, और ये देखो यहाँ उतरने का प्योर लकड़ी का घर है भाई, तो थोड़ा सा अच्छे से उतरना पड़ेगा मुझे। रेस्टोरेंट, यहाँ खाना वाना खाने के लिए, इधर अपन खाना खाते हैं, नाइक में खाना खाया था मैं इधर ही, आप देख सकते हैं। और इधर ये आंटी, वन ब्लैक टी आंटी, आई एम हियर, ओके, हाँ वन ब्लैक टी। ये आंटी हैं जो मेरे को खाना खिलाई हैं आज, कल रात में भी, और आज भी ब्रेकफास्ट के लिए ये मेरे को ही खाना खिलाएंगी। और देख सकते हैं खूबसूरत बागियों में मैं फिलहाल रुका हूँ। ये डाइनिंग, यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, नाइट में खाना खाए थे। और ये देखो मेरा बाइक का अभी काम चल रहा है इसमें, ये टोटल पार्ट खुल गया है। यहाँ से एक पैनल था वो टूट के, ये मीटर जो कसाता है तो पूरा वो टूट के अलग हो गया था। तो यहाँ पे अंकल है इस रूम में, देखो वेल्डिंग का काम अभी चालू है, यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं अंकल जी। तो आपको तब तक मैं ज़्यादा दिखाता हूँ यहाँ का। और ये रहा होटल वेलकम, होटल संतोष एंड सुमन। तो यहाँ वाईफाई भी अवेलेबल होता है, संतोष एंड सुमन होटल एंड रेस्टोरेंट चामची लामजुंग। सो मैं इसी में रुका हूँ फिलहाल, और इधर से मैं आया था, और
इस रास्ते को फॉलो करते हुए बेशी शहर जाऊंगा मैं। तब तक यहाँ काम चल रहा है मेरा, ये पैनल टूटा था उसको तत्काल में वो वेल्डिंग करके ही, नया अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे, है भी नहीं, तो वेल्डिंग करके ही अंकल इसको अच्छे से संभाल रहे। तो चलते हैं, आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको। तब तक हो रहा है उधर काम, और काम के बीच में मैं अपना चाय का सिप ले रहा हूँ, और ये सड़कों पे आपको दिखाता हूँ करना चाह रहा। ये देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। सो यहाँ अंकल के पास में चलता हूँ थोड़ा, उनको डायरेक्शन थोड़ा बताना होता है क्या क्या सीन है, ऐसे वो समझ गए हैं काम क्या टूटा है। तो करते हैं और उसको इंस्टॉल करके और आगे का काम प्रोसेस बताते हैं।